थाना क्षेत्र अंतर्गत थप्पड़ का बदला जानलेवा हमला कर लेने की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। कलमना पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार मिनीमाता नगर कलमना निवासी लक्ष्मी डांगे ने कलमना थाने में शिकायत दर्ज की है। लक्ष्मी का बेटा हितेश उम्र 23 वर्ष, इसने करीब एक माह पहले श्री संत घासीदास मंदिर के पास मिनीमाता स्मारक के सामने अविनाश को विवाद होने पर थप्पड़ मार दिया था। इस थप्पड़ का बदला लेने गत 20 मई को दोपहर करीब 2:15 पर अविनाश ने अपने दोस्त सनी चंदेल के साथ हितेश पर घातक शस्त्र से जांघ, हाथ और पेट पर वार दिया। गंभीर जख्मी हितेश को मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शिकायत पर मिनीमाता नगर कलमना निवासी दोनों आरोपी अविनाश टंडन और सनी चंदेल पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है। लक्ष्मी रमेश डांगे यांनी पुलिस स्टेशन ला येऊन तक्रार दिली की त्यांचा मुलगा हितेश डांगे यांनी 3-4 महिन्यापूर्वी अविनाश टंडन याला एक झापण मारलेले होते। त्या कारणाचा राग मनात ठेवून अविनाश टंडन आणि त्याच्यासोबत एक अल्पवयीन मुलगा याने हितेश डांगे याला गुप्तीने मारून त्याचा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला। तिच्याशी तक्रारावरून कलम 307 भादवीचा गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। यामध्ये अविनाश टंडन याला अटक करण्यात आलेली आहे। आज रोजी त्याला माननीय न्यायालयात पोलीस कोठडी रिमांड करता पेश करण्यात आलेले आहे। जखमी जो आहे हितेश डांगे याचा पूर्व गुन्हेगारी इतिहास आहे आणि आरोपी अविनाश टंडन याच्यावर गुन्हे दाखल नाही आहे। सध्या त्याचा रेकॉर्ड आम्ही तपासत आहे। काय काम ना करायचे? मजुरीचा व्यवसाय सगळं करत होते हे सर्व। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।